कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में जयपुर में महाप्रदर्शन। सर्व समाज और व्यापारिक संगठनों के प्रदर्शन में स्टैच्यू सर्किल पर जुटे लोग, सामूहिक हनुमान चालीसा का हुआ पाठ, हत्यारों को फांसी देने की मांग। उदयपुर में हालात तेजी से हो रहे सामान्य, कर्फ्यू में आज 10 घंटे की ढील। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे बाजार, लोगों ने ली राहत की सांस। संघ प्रमुख मोहन भागवत 8 दिवसीय राजस्थान के प्रवास पर, रतनगढ़ में गोलछा ज्ञान मंदिर में 13 पंथ संघ के आचार्य महाश्रमण से की मुलाकात, कई विषयों पर हुई चर्चा। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन, पीएम मोदी ने की द्रौपदी मुर्मू की तारीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल रैली को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर चुने गए राहुल नार्वेकर, जीत के बाद सदन में लगे जय श्री राम के नारे, तो कल बहुमत साबित करेंगे शिंदे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, तुकसान में लश्कर के 2 आतंकियों को गांव वालों ने दबोचा, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बीएड में प्रवेश के लिए पीटीईटी की परीक्षा का आयोजन, सुबह 11:30 बजे शुरू हुई परीक्षा, दोपहर 2:30 बजे तक होगी खत्म, नकल रोकने को लेकर किए गए खास इंतजाम। तीन दिन में पूरे प्रदेश में छाया मॉनसून, मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे जारी रहेगा बारिश का दौर, जयपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश। असम में बाढ़ का कहर जारी, बाढ़ से करीब 22 लाख लोग प्रभावित, अब तक 174 लोगों की हुई मौत।